أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں ہم دو میتھڈ پڑھیں گے میٹرکس انورین میتھڈ اینڈ کرامر رول ہمارے پاس کوئی بھی دو لینئر ایکویشن دی گئی ہوں گی ہم نے ان کا سولوشن سیٹ نکالنا ہے تو ہمارے پاس دو میتھڈ دیا گئے ہوں گے میٹرکس انورین میتھڈ اور کرامر رول وہ کوسچن میں वो कंडीशन लगाएगा शर्त लगाएगा कि आज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है या क्रैमर रूल तो क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें ये दोनों मेथड यूज़ होंगे तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये मेथड है क्या हमारे पास पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड तो हमारे पास कोई से दो लीनियर इक्वेशन दी गई होंगी सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4 हमारे पास ये दो इक्वेशन दी गई है इनका हमने सॉल्यूशन सेट निकालना है बाई कॉलमों का माकूस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए ये हमारे पास इक्वेशन वन है ये हमारे पास इक्वेशन टू है ठीक है तो सॉल्यूशन सेट में हम एक्स और वाई की कीमतें निकालते हैं तो चलते हैं कैसे हल करना है सबसे पहले हमें इसके कॉलमों की फॉर्म में लिख लेना है ये जो कोएफिशिएंट है ये 4, 3, 2 और ये 1 ठीक है इनको हमने ए का नाम दे देना है ये 4 है ये माइनस 2 है ये 3 है और ये 1 है ठीक है ये हमारे पास ए कॉलम है और ऊपर एक्स है नीचे वाई एक्स और वाई इसको हमने कैपिटल एक्स का नाम दे देना है इसके बाद ये हमारे पास इक्वालिटी है और ये जो है ये इसको हमने बी का नाम दे देना है 8 and 4 - 4 ठीक है ये हमारे पास तीन कॉलम पड़ गए ए एक्स एंड बी ये आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी यही काम करना है और क्रैमर रूल में भी यही काम करना है तो आप इसका मेथड से करते हैं ठीक है हमारे पास जो मेथड है ठीकाकार वो ये है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी ये हमने फाइंड करना है ठीक है मतलब क्या है ए इनवर्स मालूम करना है फिर उसको हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है तो चलते हैं सबसे पहले हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए इनवर्स बी ठीक है अगर हमारे पास ए इनवर्स होगा फिर हम उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इनवर्स बी हमें मालूम हो जाएगा तो सबसे पहले ए इनवर्स मालूम करते हैं ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मॉड ठीक है ए का डिटरमिनेंट ए का मक्ता तो मैं ए रेज कर बैठा हूँ तो हमारे पास जो ए था ए हमारे पास ए था 4 - 2 - 3 and 1 इसका अगर हम मार लें 4, 3 and 2 - 6 और जो माइनस दरमियान बनी है वो माइनस और माइनस प्लस ये प्लस 6 इज इक्वल 10 ये मैंने मॉड लेने का पिछली वीडियो में आपको तरीका बताया था ये हमारे पास ए मॉड आ गया अब हम एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे लेते हैं इसकी हमें जगह चेंज करनी है ये 1 and 4 और इसके हमने साइन चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 ये माइनस का 3 एडजॉइंट ऑफ ए आ गया और ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा माइनस ए इनवर्स 1, 2, -3, 4
ओवर टेन, ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद हमने ए इनवर्स निकालने के बाद इसको हमने बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास जो बी है, ठीक है, ये आ जाएगा ए इनवर्स बी इज इक्वल टू, ए इनवर्स क्या है, वन टू माइनस थ्री फोर ओवर टेन मल्टीप्लाई बाई बी। बी क्या है हमारे पास, एट एंड माइनस फोर, ये हमारे पास बी आ गया। अब हम इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये जो टेन है, वन ओवर टेन, ये हम बाहर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, ये वन ओवर टेन बाहर आ गया। इसके बाद ये एट माइनस एट माइनस ट्वेंटी फोर एंड माइनस सिक्सटीन, ये देखें, ये पहला हमने कतार दी, दूसरी ये कॉलम, एट एट आठ ही कम आठ, चार दूने आठ, ये देखिए आठ माइनस आठ। इसके बाद ये दूसरी कतार है, आठ तीन चौबीस माइनस का चौबीस, चार चौक सोलह माइनस सोलह, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, आठ माइनस आठ जाए ज़ीरो, और ये माइनस चौबीस और माइनस ट्वेंटी फोर, ये हमारे पास फोर्टीन वन ओवर टेन, ठीक है। तो ये बन जाएगा ज़ीरो माइनस का फोर, एक्स हमारे पास जीरो हो जाएगा, वाई माइनस का फोर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो एक्स इधर है, एक्स हमारे पास था एक्स एंड वाई, ठीक है। ऊपर वाली रकम एक्स होगी, ये जीरो है, और ये नीचे वाली वाई है, ये वाई हमारे पास माइनस फोर है। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा ज़ीरो व माइनस फोर, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो यह था हमारे पास माकूस का तरीका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड है, क्रैमर रूल, ठीक है। क्रैमर रूल में भी हमने वही ए बी और एक्स बनाना है सेमली। तो हम पिछले एग्जांपल में ले लेते हैं, हमारे पास ए हमारे पास जो था वो फोर माइनस टू थ्री एंड वन, ये ए था। बी हमारे पास था एट माइनस फोर, और एक्स हमारे पास था एक्स एंड वाई, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, एक्स की कीमत निकालनी है और वाई की कीमत निकालनी है, ठीक है। एक्स हमारे पास होगा ए एक्स ओवर ए कम आर, और वाई हमारे पास होगा ए वाई ओवर ए एक्स कम आर ए वाई कम आर ओवर ए कम आर। तो हमारे पास ये फॉर्म होगी। अब हमने ए एक्स कैसे बनाना है और ए वाई कैसे बनाना है, तो गौर से सीखें। ए एक्स, ए एक्स हम बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है ए में, ये एक्स की है। हमने इन वैल्यू को रिमूव करके बी, ये हमारे पास जो बी है, हमने यहाँ पर शिफ्ट कर देने, हमारे पास ए एक्स निकल आएगा ये एट माइनस का फोर माइनस टू एंड वन, ये हमारे पास ए वाई आ जाएगा। और अगर हम ए वाई बनता है, ये देखिए हमारे पास ये वाई है, तो इधर हम बी शिफ्ट कर देंगे, ये सेम होगा, तो ये हमारे पास बनेगा फोर थ्री एट माइनस का फोर,
अगर हम y बनाएंगे तो y की जगह पे हम b शिफ्ट कर देंगे, और अगर हम ax बनाएंगे तो x की जगह हम b शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास ax और ये हमारे पास ay आ जाएगा। और a का मॉड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो हमारे पास 10 आ गया। अब हमने ax का मॉड और ay का मॉड निकालना है। तो चलते हैं ax और a y का मार निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास a x का मार 8, 8 का मार 4 × 8 माइनस माइनस प्लस, और दरमियान जो माइनस है वो माइनस हो जाएगी, माइनस 4 × 8। ठीक है, ये ए आ जाएगा ए एक्स का मान इज इक्वल टू 0। अब ए वाई का मान, ठीक है, 4 × 16 − 16, 8 × 3 = 24, और दरमियान जो माइनस है ये −24 आ जाएगा, और ये माइनस का 14। ये हमारे पास ए एक्स का मॉड है, ये हमारे पास ए वाई का मॉड है। तो अब एक्स और वाई की कीमतें निकालते हैं। हमारे पास ए क्या है, ए एक्स भी है वाई भी है, तो हम एक्स और वाई की कीमतें निकाल देंगे। एक्स हमारे पास है ए एक्स का मॉड ओवर ए का मॉड, ए एक्स कितना है 0/10, ये आ जाएगा 0। अब है वाई, ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड, ए वाई कितना है −14/10, ये आ जाएगा −4। ठीक है, ये हमारे पास −4 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक्स 0 है और वाई −4 है। सॉल्यूशन सेट इसका जो निकलेगा, सॉल्यूशन सेट वो आ जाएगा 0 × −4। देखिए क्रैमर रूल के जरिए भी यही सॉल्यूशन सेट है, और मैट्रिक्स इन्वर्जन के मेथड से भी यही सॉल्यूशन सेट है। सिर्फ आपको मेथड का पता होना चाहिए कि कैसे करना है। सबसे पहले हमने कॉलमों की फॉर्म में जो हमारे पास जिन्हें इक्वेशन दी गई होंगी उनको कॉलमों की फॉर्म में लिखना है। दोनों में सेम ये होगा। अगर हम क्रैमर रूल के तरीका मेथड का बात करें तो ए एक्स बनाना है। ए एक्स कैसे बनाएंगे कि जो हमारे पास एक्स के कोएफिशिएंट है उनकी जगह हम बी शिफ्ट कर दें। ठीक है, और अगर ए वाई की बात करें तो जो वाई के कोएफिशिएंट है उनकी जगह हम बी शिफ्ट कर दें। तो ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई बन जाएगा, और ए एक्स और ए वाई का हमने मॉड निकाल लेना। मॉड निकालने के बाद ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें ये दोनों मेथड यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आएगा।